Hi everyone, welcome to once again in management culture. In today video I will discuss about green supply chain management. So guys, video ko dekhne se pehle aap video ko like kar dein, channel ko subscribe kar dein. ओके गाइस, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हमने सप्लाई चेन के बारे में पहले आपके अपने वीडियोज में डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को देख लें तो आपको वीडियो को अंडरस्टैंड करने में इजी होगी, इजी अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हैं. तो ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? तो ग्रीन किसी भी चीज़ के साथ यू नो ग्रीन मिल जाता है ना, तो वो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये समथिंग रिलेटेड विद एनवायरमेंट. तो अभी के टाइम में क्या है ना कि ग्रीन ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बजट, ये सब चीज़ हम काफ़ी देख रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंसर्न जो इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना इन्वायरमेंटल इशू बढ़ गया, तो हम हर चीज़ को ना क्या करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, या हर जगह हम उसको ना इन्वायरमेंट से जोड़ कर देख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो, जो भी ये इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं वो क्या होंगे, वो रिड्यूस हो गए. तो ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? जब हम अपने सप्लाई चेन में जब एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस को ऐड करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं, तो वो हमारा ना ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो जाता है. तो इस ये कंसेप्ट क्यों आया? तो बेसिकली क्या है ना कि जो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे ना, तो इंडस्ट्रीज का है. क्योंकि इंडस्ट्रीज इतने सारे चारों तरफ ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंट्रैक्ट हो रहा है, उनकी बॉन्डिंग बढ़ रही है. देन टाइम टू टाइम क्या है ना कि एट द कोर्स ऑफ टाइम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो हमारे पास जो भी स्कार्स रिसोर्सेज है उसका हम मैक्सिमम यूज करना चाह रहे हैं. इस तरह से क्या हो रहा है ना कि हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसका ना अबंडेंट तौर पे उसका क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है ना कि इन्वायरमेंटल कंसर्न रेज हो रहा है. तो उसी को रिड्यूस करने के लिए, उसी को मिनिमाइज करने के लिए क्या है ना कि ग्रीन कॉन्सेप्ट का, इन्वायरमेंटल कंसेप्ट का, इन्वायरमेंटल कंसेप्ट सप्लाई चेन के साथ ऐड कर दिया गया. तो इसमें क्या होता है कि इट इनकल्केट इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग प्रोडक्ट डिजाइन, मटेरियल सोर्सिंग एंड सिलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द एंड कस्टमर. तो ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या हो गया कि हर एक स्टेप पे, जहाँ से हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और जहाँ से हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, जो भी इनपुट रिसोर्सेस होता है उसको हम परचेज करते हैं किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, और उसको अपने इंड कस्टमर तक, फाइनल प्रोडक्ट को पहुँचाने तक, जो भी सप्लाई चेन में जो भी स्टेप टू स्टेप जो भी स्टेक होल्डर आते हैं, जो भी स्टेप आते हैं, वहाँ पे हर जगह हम इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस को ऐड करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं, जिससे हमारा ना मिनिमम वेस्ट हो और मैक्सिमम जो है ना रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो और प्रॉफिट भी ना उसी वे में हमारा आए. तो क्या होगा ना कि इन्वायरमेंटल जो इशू होगा वो रिड्यूस होगा. तो ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसको देखें तो इसका तो एक ना बेसिक से अपन व्यू से सोचें ना, तो इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है. क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री को इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट से ऐड करके देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक क्या है ना कि वो वर्क करेगा किस पे, कि पॉल्यूशन कम हो, पॉल्यूशन कम क्रिएट हो. तो क्या होना है ना, ये क्या करेगा, इंक्रीज सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी. सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का ना सबसे फोकस पॉइंट होता है, क्योंकि इसी पे बेस्ड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी. क्योंकि जिसकी सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी जितनी ही स्मूथ होती है, जितनी स्ट्रांग होती है, वो कंपनी उतना ही प्रॉफिट जनरेट करती है. तो वे क्या करती है ना, सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज करती है. रिड्यूस वेस्ट थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस, तो हम रिन्यूएबल सोर्सेस को यूज करेंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा ना कि जो भी हमारे पास वेस्ट रिसोर्सेस आ रहा है उसको हम फिर से रियूज कर सकते हैं. यही एक सबसे बड़ा ना बेनिफिट होता है किस, जब हम ग्रीन चीजों को अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, ग्रीन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं. तो जैसे अब छोटा सा कैफे वगैरह भी खुल रहा है ना, वहाँ पे भी हम इन्वायरमेंट को ऐड कर रहे हैं अपने कैफे से, हर एक चीज़ से ना इन्वायरमेंट को ऐड करके देखा जा रहा है, जहाँ जिसकी वजह से क्या है ना कि जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है वो मिनिमम होगा. देन रिड्यूस ओवरऑल एनर्जी यूजेज क्या होगा, क्योंकि जब हम ग्रीन एनर्जी के तौर पर ना रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे, तो क्या होगा ना, ऑटोमेटिक क्या है कि जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है वो सॉर्ट आउट होगा. देन कॉस्ट सेविंग, इससे कॉस्ट भी सेव होता है. इम्प्रूव गुडविल एंड पब्लिक इमेज, तो इसके पब्लिक इमेज और गुडविल को भी इम्प्रूव करता है. बिकॉज जो भी कंपनी ना जितनी कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है, लोगों के बीच में उतना ही उस कंपनी के लिए ना ट्रस्ट बनता है, वो उस पर उतना ही ट्रस्ट करते हैं, हाँ ये कंपनी है ना लोगों के लिए सोच रही है, चलो इसमें ना इन्वायरमेंटल इशू नहीं है तो हम इसे अपने ना
आसपास के एरिया में एस्टेब्लिश होने देते हैं। ये भी हमेशा एक मुद्दा बना रहता है कि वहाँ के लोग इसके लिए किस कोई भी फॉर्म किस कोई भी इंडस्ट्री कहीं एस्टेब्लिश हो रही है तो लोगों की क्या होती है ना कि नहीं यहाँ पे ना इंडस्ट्री हमारे घर के पास नहीं एस्टेब्लिश हो, जिस इसकी वजह से क्या है ना बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न होंगे, बहुत सारे हजार्डस डिजीज वगैरह ये क्रिएट हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ है ना कि हमारे ग्रीन सप्लाई चेन के बेनिफिट हो सकते हैं अगर हम इसको ध्यान में रखकर करें तो। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट के, तो ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट जब हम अपने सप्लाई चेन में ग्रीन इन्वायरमेंट को ऐड करते हैं, इन्वायरमेंट को ऐड करते हैं तो उसका ना क्या होता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट रिड्यूस होता है। अब इसके इंप्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस नहीं है तो क्या है ना कस्टमर की डिमांड उस चीज को लेकर नहीं है, क्योंकि जब हम जब इन्वायरमेंट को अपने सप्लाई चेन में कंसिडर करते हैं तो हमारा ना क्या होता है कॉस्ट भी बढ़ता है क्योंकि उसके लिए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, तो फिर हम अपने प्रोडक्ट का वैल्यू भी बढ़ा देते हैं, प्राइस भी बढ़ा देते हैं, तो फिर उस तरह से ना कस्टमर की डिमांड कम हो जाती है। लैक ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी उस तरह से रेगुलेट नहीं कर रही है जो इंडस्ट्री को ना बेनिफिट पहुंचा जाए। फिर फाइनेंशियल इशू ऑटोमेटिक है कि क्रिएट होगी क्योंकि हम नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हमारा फाइनेंशियल इशू आ गया है, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है जब हम नई चीजों को अपडेट करते हैं उसको जब अपने इंडस्ट्री में लाते हैं। तो आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, दैट्स ऑल, थैंक यू गाइज।